नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे पंचायत चुनाव के बारे में। पंचायत चुनाव में इन बूथों पर सीआरपीएफ जवानों की होगी तैनाती, यानी कि जिला प्रशासन अब इन स्थिति में है कि अब कौन से बूथ पे सीआरपीएफ जवान और कौन से बूथ पे जिला प्रशासन को भेजना है, इसको लेकर भी अब बिहार सरकार तैयारियों में जुट गया है। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी जोरों पर है। आपको बता दें कि इस साल के अंतिम महीने में पंचायत चुनाव कराए जाने हैं। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि अक्टूबर से नवंबर के बीच में पंचायत चुनाव कराने की बात कही जा रही है। इस साल होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर चुनाव आयोग तैयारी में जुट चुका है। आपको बता दें कि इस साल होने वाले पंचायत चुनाव 10 चरणों में होने की संभावना जताई गई है। अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इधर चुनाव को लेकर जिला प्रशासन सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाने की बात कह रहा है। चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां की जा रही है। खासकर बाढ़ग्रस्त इलाकों के मतदान केंद्रों पर भी सुरक्षा को लेकर बेहतर प्लानिंग की जा रही है, ताकि चुनाव के दौरान मतदान करने में मतदाताओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसका भी ख्याल रखा गया है। जहां मतदान शांतिपूर्ण माहौल में स्वच्छ, निष्पक्ष व निर्भीक होकर मतदान कर सके, वहीं प्रशासन द्वारा मतदान केंद्रों की सूची को अंतिम रूप देने के बाद पंचायत चुनाव के दौरान सभी मतदान केंद्रों पर पर्याप्त सुरक्षा को लेकर मंथन शुरू हो गया है। सभी मतदान केंद्रों पर बिहार पुलिस व गृह सुरक्षा के साथ साथ केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को भी तैनात करने पर निर्णय लिया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की देखरेख में एसपी, दोनों अनुमंडलों के एसडीएम और एसडीओ को सुरक्षा बलों की जरूरत और उसकी उपलब्धता को लेकर विमर्श किया गया। इसके बाद से जिला प्रशासन स्तर पर पंचायत चुनाव के दौरान जिले के पर्याप्त संख्या में अर्धसैनिक बलों की तैनाती को लेकर सरकार ने पत्राचार भी किया है। वहीं जिले के संवेदनशील व अति संवेदनशील मतदान केंद्रों को चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है, ताकि जिले में चुनाव शांतिपूर्ण व भयमुक्त वातावरण में संपन्न हो सके। जिले के 14 प्रखंडों के 3106 वार्डों में कुल 3236 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर बिहार पुलिस व गृह रक्षकों के साथ ही केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान भी तैनात होंगे। इधर निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार चुनावी मैदान में किस्मत आजमाने वाले उम्मीदवारों के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया है। इसके अनुसार पंचायत चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए सार्वजनिक स्थलों का उपयोग, साथ ही साथ कोई भी अभ्यर्थी किसी भी उम्मीदवार के खिलाफ व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं और ना ही जातिगत अथवा धार्मिक भावना को ठेस करने वाले वक्तव्य जारी कर सकते हैं। ऐसे में करने वाले अभ्यर्थियों के लिए कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चुनाव आयोग की तरफ से जारी गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि चुनाव जीतने के बाद ही उम्मीदवार धार्मिक, जाति व भाषा भावनाओं का सहारा नहीं लेंगे। किसी भी धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद व गुरुद्वारा आदि का उपयोग वो चुनाव प्रचार के लिए नहीं कर सकते हैं। अगर किसी की भावना इससे आहत होती है तो उस पर संबंधित अभ्यर्थियों पर जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी व्यक्ति के कार्यों या फिर उसके विचारों का विरोध करने वाले उम्मीदवार या फिर समर्थकों द्वारा ऐसे व्यक्ति के घरों के सामने धरना देने, नारेबाजी करने या फिर प्रदर्शन करने पर साफ तौर पर रोक लगाई गई है। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि जिला प्रशासन की तरफ से लगातार बिहार पंचायत चुनाव को लेकर अपडेट जारी किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग भी लगातार इसको लेकर सतर्क है और अपडेट जारी कर रहा है, जिसके तहत अब जो है सुरक्षा को लेकर कैसे इंतजाम हैं इसको लेकर भी लगातार जिला प्रशासन और बिहार निर्वाचन आयोग के बीच में अपडेट जारी हो रहा है। तो बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहे बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।